एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप वर्ग दशम का इतिहास पढ़ रहे हैं। चैप्टर पहला यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में जो है, मैंने पहले फ्रांस की क्रांति बता दिया, आज मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगा इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से चार व्यक्तियों का योगदान था, मेजरी, कॉन कावर, गैरिबाल्डी और राजा दो थे विक्टर एमैनुअल, और विक्टर एमैनुअल के पहले हुए चार्ल्स एल्बर्ट। अब क्वेश्चन है मेजनी कौन था, या मेजनी के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पहला व्यक्ति क्या है, मेजनी। इसे जोसेफ मेजनी भी कहीं कहीं कहा जाता है, जोसेफ मेजनी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है मेजनी कौन था। तो देखिए उत्तर, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। मतलब राजनीति में जो चल रहा था वर्तमान स्थिति, उसे यह नहीं समझ पाता था, मतलब अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्शवादी गुण अधिक मतलब कि किताबी ज्ञान ज्यादा थे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं थे। किसमें, मेजनी में। वह कार्बोनरी, आता है कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव कार्बोनरी क्या है, तो गुप्त दल था। कार्बोनरी क्या था, गुप्त दल था। वह कार्बोनरी का सदस्य था, उसने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। कई परिस्थितियों में जो है मेजनी इटली के एकीकरण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला यंग इटली का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यंग इटली की स्थापना कब हुई, 1831 में, और यंग यूरोप की स्थापना कब हुई, 1834 ईस्वी।